भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया दृष्टि पत्र। किसानों, युवाओं और उद्योग धंधों पर दिया गया विशेष जोर। इस दृष्टि पत्र को लेकर हमारे संपादक जावेद अंसारी ने बीजेपी के कुछ नेताओं से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं इस दृष्टि पत्र के बारे में उन्होंने क्या कहा। घोषणा पत्र में क्या खास है? आज हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जो दृष्टि पत्र है वो विमोचित हुआ है, और इस घोषणा पत्र के माध्यम दृष्टि पत्र के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बीमारू राज्य से विकासशील, विकसित और अब समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही है, और इसमें समृद्ध मध्य प्रदेश का एक अनुबंध आम जनता से मांगा जा रहा है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे निर्धन परिवार के लिए, या मैं कहूँ कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है हमारी महिला बहनों के लिए, सबके लिए इसमें ध्यान रखा गया है, और किन्हीं योजनाओं के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए जनता जनार्दन के समक्ष इस बात को रख रही है अपने दृष्टिपत्र के माध्यम से कि आप अपना विश्वास दें, हम आपका साथ। हम इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में, जहां अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हमारे साथ मौजूद हैं रीवा सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, भोपाल सांसद आलोक संजर जी। हम इनसे बात करेंगे, इसमें क्या है खास? निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 वर्षों में जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ आत्मीय रिश्ता निभाया, बनाया है और उसको निभाया भी है, और इसलिए वो जनता की हर कमजोरी से अवगत भी है। और इस दृष्टि पत्र में आप देखेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अनुपात कहा करते थे कि हम अंतिम जनती व्यक्ति की चिंता करें, तो इस दृष्टि पत्र में आप देखोगे तो सामान्य परिवार के लोग भी और गरीब परिवार के किसान भी, मजदूर भी, और सभी वर्गों की चिंता की गई है और उनके हित में भारतीय जनता पार्टी भविष्य में क्या काम करने वाली है उसका उदाहरण में इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 2013 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिए थे उन संकल्पों को 100% पूरा किया, साथ में वो काम भी किए जिसका संकल्प नहीं लिया था, उनको लगा कि इन कामों को करना चाहिए, इसकी संबल योजना भी बनाई गई, और मैं कह सकता हूँ कि किसानों की बिजली माफ़ किए, बिल माफ़ किए गए, क्योंकि जब बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे थे उनको अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ता था, माताएं बहनें और बच्चों को दिक्कत होती थी पढ़ने में और काम करने में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबल योजना के तहत उनके बिजली के बिल माफ़ किए, साथ ही प्रतिमा 200 रुपये, इसमें जो उन्होंने बात कही है पंखा चलाना, लाइट जलाना, बिजली चलाना और छोटे उपकरण चलाने की जो बात कही है, निश्चित रूप से गरीबों के लिए बहुत सहारे की बात है, उसमें सामान्य परिवार के लोग भी उसमें आते हैं और उनको लाभ मिला है। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी योजनाओं को आपके इसमें एक बंदरगाह की बात की गई है, बंदरगाह मध्य प्रदेश की सीमा में बिल्कुल बंदरगाह एक भी नहीं है, समुद्र कहीं से कैसे नहीं होगा, ये क्या योजना है, इसको कैसे? आपको इसको यदि ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये नहीं कहा कि मध्य प्रदेश बंदरगाह, समुद्र किनारे जमीन लेकर वहाँ पर बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा और मध्य प्रदेश के हमारे युवा व्यापार कर सके, मध्य प्रदेश व्यापार में भागीदारी हो सके, इसलिए ये योजना बनाई गई। आप इसको पूरा कैसे देंगे? मैं तो अति प्रसन्न हूँ और मेरी मुराद पूरी हुई और मेरी ने इससे लेके हजारों नौजवानों की मुराद पूरी होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी शायद देश में ये दूसरी या तीसरी यूनिवर्सिटी होगी, और जितना रोजगार के साधन इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है उतना और किसी सेक्टर में नहीं है, और मुझे खुशी है कि रीवा का मैं जब बात करता था 6 महीने साल भर से लगातार इस चीज़ को उठाता रहा हूँ, आलोक जी को भी मालूम है, इससे कई बार चर्चा होती थी कि रीवा में प्याज की प्रोसेसिंग, टमाटर की प्रोसेसिंग ये अपार संभावनाएँ, और दूसरा जो ये वेयर हाउस बनेगा, सब्जी के भी वेयर हाउस बनेंगे, अनाज के भी वेयर हाउस बनेंगे, और जो आज सब्जी हमारी आलू है,
प्याज है टमाटर सड़ जाती है उसका संरक्षण होगा और कृषि के विकास में किसानी के लाभ के विकास में और किसान के लड़कों को जो किसानी के काम में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं उनको रोज़गार कारखाने का रोज़गार मिलेगा और मेरी मन की मुराद पूरी होगी। इसको विधानसभा चुनाव में इसको किस तरीके से फायदा मिलेगा आपको? विधानसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और इसको हम जितना लोगों तक पहुंचा पाएंगे और लोगों को जितना हम समझा पाएंगे उतना ही फायदा होगा। अगर इसको हमने एक मतदाता को किसी भी कॉमन मैन को समझा लिया कि ऐसा ऐसा होने वाला किसी साधारण किसान को किसी साधारण किसान के लड़के को वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं करेगा। ये थे हमारे साथ सांसद जिनका साफ तौर से कहना था कि इस निश्चित रूप से इसका हमें लाभ मिलेगा इस घोषणा पत्र में आम आदमी के जीवन सहूलियतें उनको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। खासतौर से रीवा सांसद जनार्दन मिश्र का उनकी बरसों से बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी गई है। वो ये चाहते थे कि बिंद का प्याज और टमाटर सड़े ना, अब इस योजना के माध्यम से वो सड़ेगा नहीं। रीवा दर्शन जावेद।